आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटशिप यहाँ पे आ चुकी है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से। अभी यहाँ पे जो पहले अप्रेंटशिप आई थी उसकी ज्वाइनिंग चल ही रही थी, फर्स्ट लिस्ट जस्ट आई थी। इसी बीच में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई अप्रेंटशिप की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से अप्रेंटशिप करना चाहते हैं, आईटीआई के कई ट्रेड की यहाँ पे 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटशिप निकाली गई है। इस अप्रेंटशिप का आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा रेलवे में, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इन सब की डिटेल यहाँ पे देखेंगे। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में भी देखेंगे। और फॉर्म स्टार्ट हो गया यहाँ पे अप्लाई करना, तो आपको चैनल पे फॉर्म ऑनलाइन भरने का वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगा, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और उनके PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बात करने वाले रेलवे RPF कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है एजुका जोन पब्लिकेशन से। एंड कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि 2024 में वैकेंसी आई हुई है, तो ये एक बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस पेपर्स के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक आपको अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए 5 सॉल्व पेपर्स हैं, और जो नोटिफिकेशन आपका लेटेस्ट है स्ट्रिक्टली उसी पैटर्न पे ये बुक बनाई गई है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, एंड जो आपका जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये आप सबके लिए बनाई गई है। तो इसे आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप यहाँ पर एजुका जोन की तरफ से जो स्टडी गाइड बनाई गई आप सबके लिए, उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। इन सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसे बाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन सभी पे अवेलेबल है, जहां से आप चाहें परचेज कर सकते हैं, ज़रूर लीजिएगा। यहां पे अगर इस भर्ती की बात करें तो 12 जून 2024 का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये पब्लिश हुआ है। ऑनलाइन अप्लीकेशन भी 12 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, साथ ही लास्ट डेट फॉर्म भरने की होगी 11 जुलाई 2024 शाम को 5 बजे से पहले आपको फॉर्म भरना है। अगर टोटल यहाँ वैकेंसी की बात करें तो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 पोस्ट है, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 35, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में 151, डीजल सेड इज्जत नगर में 60, कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में 64, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन 155, डीजल सेड गोंडा में 90 और कैरिज एंड वैगन वाराणसी में 75 पोस्ट है। कुल 1104 वैकेंसी यहाँ पे है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं कैसे मिलेगा। एंड टाइम पीरियड भी आगे लिखा हुआ है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होगा। अब यहाँ अगर बात करें तो ट्रेड है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर और मशीनिस्ट। नीचे आप देखेंगे सिग्नल वर्कशॉप कैंट में फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर एंड टर्नर। तो आप देख लें अपना ट्रेड, जिस जगह पर आपका ट्रेड हो एंड अच्छी खासी वैकेंसी हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चॉइस चूज़ करके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम क्या क्या यूनिट्स आप चूज़ कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको दिख जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं फॉर्म भरने का। तो टोटल 1100 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें एज लिमिट जो रखी गई वो रखी गई है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल, यानी 15 से 24 साल एज होनी चाहिए अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट्स की। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। OBC कैंडिडेट्स को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल की एज में छूट मिल जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10वीं पास आउट किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपने ITI किया हो निर्धारित ट्रेड में जो ऊपर ट्रेड दिए गए हैं। 12 जून 2024 तक आपके पास ITI एंड 10वीं दोनों होना चाहिए, यानी 12 जून तक जिनका रिजल्ट आ चुका है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो जनरल EWS और OBC की 100 रुपये फ़ीस लगेगी, SC ST दिव्यांग कैंडिडेट और वीमेन कैंडिडेट्स की यहाँ कोई फ़ीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है, उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कहीं से रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा, 10वीं और ITI के आधार पर आपका एवरेज मार्क्स जो है लिया जाएगा, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, DV में सही पाए जाने पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट फिर आपको डिवीजन और यूनिट अलॉट की जाएगी, जैसे इसके पहले वाले वैकेंसी में अलॉट किया जा रहा है। अदर कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, देखिए इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आपको कोई TA DA लॉजिंग फूडिंग ये सब कुछ नहीं मिलेगा। जब आप DV के लिए जाएंगे या ज्वाइन करेंगे तब भी आपको
लॉजिंग या फूडिंग ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, सिर्फ आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि 7,700 से 8,050 रुपये होता है, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो 1 ईयर के ट्रेड है उनका 7,700, जो 2 ईयर्स के ट्रेड हैं उनको 8,050 रुपये। ये सेम नोटिफिकेशन आपको हिंदी में दिख जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो ये प्रोफार्मा है मेडिकल फिटनेस का, जिसको आपको जब आप DV के लिए जाएंगे तब बनवा के ले जाना होगा, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। अब बात करें इस अप्रेंटिसिप को करने के बाद आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। देखिए, रेलवे अप्रेंटिसिप को आपको करने से 4 बड़े बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें पहला बेनिफिट होता है आपको 20% का वेटेज मिलता है रेलवे ग्रुप डी की जॉब्स में। दूसरा बेनिफिट है PET यानी फिजिकल इफ़िशेंसी में आपको छूट मिलती है। तीसरा है यहाँ पर आपका जो आप अप्रेंटिसिप में नंबर स्कोर करते हैं उसके 1/3 का वेटेज आपको मिलता है CBT एग्जाम में, जब आप ग्रुप डी का देते हैं उसमें 2/3 आपका CBT एग्जाम और 1/3 अप्रेंटिसिप का जोड़ा जाता है। साथ में अभी आप अप्रेंटिसिप करते हैं तो MSD के नए नियम के अनुसार 1 साल की अप्रेंटिसिप ITI करने के बाद अगर आप कर रहे हैं तो वो 1 साल के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट होती है। तो ऐसी कोई नौकरी आएगी जहाँ पे 1 साल एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसिप मांगा जाएगा तो उसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे। ये 4 बड़े फ़ायदे आपको रेलवे अप्रेंटिसिप करने के मिल जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की, तो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक इनेबल हो चुका है, यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, यस करके लिख दीजिएगा। जल्द ही आपको आज ही की डेट में फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल पे अभी भी नहीं जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, और टेलीग्राम पे भी जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू।